हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी ने सड़कों का डामरीकरण के नाम पर बड़ा खेल किया है। दरअसल जो सड़कें पहले 5 साल बाद रिपेयर होती थी, जो केवल 6 महीने में ही जवाब दे रही हैं। आपको बता दें, सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे साफ तौर पर सड़क निर्माण में कमीशनखोरी और निम्न गुणवत्ता की पोल खोल रहे हैं, जिसे विधायक बंसीधर भगत ने मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में लाने और जरूरत पड़ने पर उच्च स्तरीय जांच कराने का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है। वहीं निर्माण में कहीं कोई चूक पाई गई तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये ग्रामीणों का आज ज्ञापन बन रहा है, अभी दिया नहीं मुझे, भी औरों के दस्तखत होने हैं। आज इतने ग्राम प्रधान यहाँ आए थे, इतने ग्राम प्रधान यहाँ आए थे। इन लोगों का यही कहना है कि पहले 7 साल में सड़क की रिपेयरिंग हुई, फिर 5 साल हो गया, लेकिन अब अनर्थ ये है कि अब तो 6 महीने में उखड़ जा रही, साल भर में उखड़ जा रही। इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर ये ज्ञापन देते हैं कल को परसों को, तो फिर हम मुख्यमंत्री से ज्ञापन दे के एक बड़ी एजेंसी से इसकी जाँच कराएंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा क्षेत्र में लगातार आदरणीय हमारे विधायक बंसीधर भगत जी के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में और अपना जो नगर निगम का नवनिर्मित क्षेत्र है उसमें सड़कें बन रही हैं, लेकिन कुछ शिकायतें लगातार काफ़ी दिनों से हम लोगों को भी और जनप्रतिनिधि लोगों को भी, जनप्रतिनिधि भी हमसे भी कहते हैं कि भाई हमारी रोडें जो हैं जो बनी हैं और एकदम उखड़ जा रही हैं।